नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। विधानसभा चुनाव की सुख बुगाहट शुरू हो गई है। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से खुद को मजबूत करने के तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले इस चुनाव के दौर में आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। अब तक आपने मुखिया से लेकर तमाम तरह के चुनाव में महिला आरक्षित सीटों पर पत्नी को चुनाव लड़ते और पति को चुनाव प्रचार संभालते जरूर देखा होगा, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। पति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पत्नी पूरे चुनाव की जिम्मेवारी, चुनाव प्रचार की रणनीति, कार्यकर्ता सम्मेलन, लोगों की समस्याओं को चिन्हित करना, उनका समाधान करने की दिशा में पहल करना, पूरी जवाबदेही संभाल रही है। ये वाकया हमारे कैमरे में तब कैद हुआ जब पांकी विधानसभा के भावी प्रत्याशी जितेंद्र पासवान अपने बेदानी खुर्द स्थित आवास पर पांकी और सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे। जितेंद्र पासवान के सिर्फ जीवन संगनी भारती पासवान ही नहीं, बल्कि उनकी मां, जो पहले हुसैनाबाद नगर पंचायत का कमान संभाल चुकी हैं, आशा देवी ने भी बेटे के चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दिया है, जिसकी वानगी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखी। पार्टी काफी दूर तक फैला हुआ ब्लॉक है, इतने दूर दूर से लोग आए हैं। आप लोगों का प्यार जितेंद्र जी के प्रति देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत आसान होगा मंजिल को पाना हम लोगों के लिए। आप लोगों के साथ दिन रात हम लोग पूरे परिवार काम करेंगे और इस चुनाव को भी जीतेंगे। और चुनाव जीतने के बाद आप लोगों का सारा के आए हैं तमाम समस्याओं को, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो हल हुआ तो हल हुआ, जो नहीं होगा उसके लिए आगे भी लगे रहेंगे। आप लोग हम लोग को सहयोग दीजिए, जितेंद्र जी को विश्वास कीजिए, 5 साल का मौका हम लोगों को दीजिए। हम अपने काम को करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारा निवेदन है आप लोगों से, अनुरोध है आप लोगों से। हम घर घर जाएंगे, प्रत्येक महिला से मिलेंगे, हर एक लोगों को अपनी बात बताएंगे। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग किसी जाति का बात ना करके विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसमें आपका सहयोग चाहिए। मन के मुताबिक बनाइएगा, आप लोग कैसे आप गाय है उस दिन भी आप लोग आइएगा, अपना मत रखने, अपना काम कराने के लिए हर व्यक्ति को लेके आइएगा। आप लोग विश्वास के साथ आइएगा और हम अपना से, हम बेटा पर तो विश्वास मेरा बहुत है, लेकिन हम अपना और सब विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग निस्वार्थ भाव है, निस्वार्थ भाव आप लोग को चला करने के लिए आप लोग है। इसलिए किसी तरह का मन में संकोच नहीं रखिएगा, किसी तरह का भावना नहीं रखिएगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी तरह का मन में गर्व है कुछ नहीं है। हम लोग तन मन धन से आप लोग के साथ रहने के लिए आए हैं, चलने के लिए आए हैं। ये आपका बेटा है, भतीजा है। मैं आप लोग का तहे दिल से अपना मन हनुमान जी मैं नहीं हूँ कि फरेला फाड़ कर दिखा दूँ, लेकिन विश्वास के साथ कर रही हूँ कि हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। जितेंद्र पासवान ने सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर पांकी के विकास की बात कही। उन्होंने अपने विजन से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और इस चुनाव में सहभागिता निभाने की अपील की। पांकी की जनता के सुख दुख में साथ रहने का हवाला देते हुए उन्होंने वोट के मौके को चूकने नहीं देने का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी मजबूत करने और विस्तार करने पर बल दिया। कि अगर आप जो है वर्तमान और पूर्व विधायक से नाखुश हैं तो फिर एक नई मंजिल की तलाश आप लोग कर रहे हैं, और नई जो मंजिल की तलाश है, हमारा यही मानना है कि चाहे हम लोग अल्लाह को मानते हो या ईश्वर को मानते हो, हमारा रहबर चाहे जो भी हो, लेकिन रहनुमाई जो है अभी जिंदा है। हम ये कहते हैं कि अभी अगर कायनात जिंदा है तो रहनुमाई भी जिंदा है। ओके साहब, हमारा यही मानना है कि अगर नहीं तो कायनात ही खत्म हो जाता है, कायनात नहीं रहता। तो अगर कायनात है, दुनिया है, तो इसका मतलब एक रहनुमा भी है, मतलब अल्लाह ईश्वर भी है। तो अगर अल्लाह ईश्वर है तो हम मानते हैं कि अल्लाह ईश्वर जो है समय समय पर अपने बंदा को जो है भेजते हैं कि जो है ठीक है, अगर इस क्षेत्र के लोग अगर नाखुश हैं, अगर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई जो है हम लोग को नई मंजिल तलाश करनी होगी। और हम आप लोगों से अपील और जो है अनुरोध करते हैं कि आपका यह घर का बेटा जितेंद्र पासवान आपके सभी तमन्नाओं को पूरा करेगा, आपके और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। हर इंसान की जिंदगी जीने का अलग मकसद होता है, और हमारे जिंदगी जीने का मकसद तो सिर्फ जो है आपका प्रेम और स्नेह ही है, आपका मान सम्मान है,
और यही वो वजह है कि हम आपके बीच आज यहाँ उपस्थित है। इससे हम आप लोग को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि कन्हैयालाल का बेटा आपके तमाम सभी सुख में शामिल रहेगा और इस क्षेत्र जो सदियों से 1952 से इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और 1952 से लेकर अभी जो है 2024 में चुनाव होना है, लगभग 70 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन बाकी विधानसभा जो है अन्य विधानसभा से जो है इसकी तुलना की जाए तो यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हम तमाम गरीब समाज के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए हम तमाम जो है दलित शोषित और गरीब समाज के लोगों से अपील और अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर आप हम पर भरोसा और विश्वास जो है आप जताइए और हम आपको भरोसा दे जो है आप भरोसा इस बात का है हमारा कि हम जो है कहीं ना कहीं जो है आपके सभी जितने भी कार्यक्रम हैं हम सभी ने जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी जो हमारा युवा वर्ग नौजवान साथी जब भी हमको याद किए हैं हम आपके बीच हाजिर लगाने का काम किया इस बात का सभी इसलिए जो है पिछला जो हमारा अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो उस रिकॉर्ड को देखकर आप हम पर विश्वास कर सकते हैं और आने वाले वक्त में भी जब हमको सत्ता मिल जाएगा जब हम विधायक हो जाएंगे तो हम आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि बाकी विधानसभा का जो बात है हम कोई बुलंदी मुस्तैदी से जो है विधानसभा में रखने का काम करेंगे और हमारा जो बात रहेगा वो बाकी विधानसभा के वैसे समाज के लिए रहेगा जिनको सदियों से जो है दबाया और सताया गया है। हम तमाम जो है दबाए सताए हुए लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए हमारी जो गरीबी है हमारी जो हालात है उसको सुधारने का मौका जो है आने वाले जो 2 महीना में जो हमारा विधानसभा चुनाव है उस 2 महीना के बाद जो हमारा चुनाव होगा बाकी विधानसभा में तो वो जो हालात है हमारा उस हालात को हम लोग बदल सकते हैं, एक अवसर हम लोग के पास है और इसलिए हम आप लोगों से इल्तिजा करते हैं, हम आप लोगों से अपील करते हैं दोबारा कि उस अवसर को उस मौका को जो है कहीं जो है ऐसा नहीं हो कि फिर हम लोग आने वाले 5 साल के लिए जो है उस मौका को खो दें। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो है आने वाले वक्त में जो विधानसभा का चुनाव है उस पर आप हम जो है भरोसा घर का बेटा पर भरोसा कीजिए और चूंकि चुनाव में हम लोगों को किस तरह से जो है बूथ मैनेजमेंट को जो है मजबूत करना है, हम लोगों को किस तरह से चुनाव जीतना है और अब यहाँ के बाद जो है आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है इसके बाद जो है हमारा ये प्रयास होगा कि बाकी प्रखंड में जो 25 पंचायत है अब पंचायत स्तरीय जो है आप लोग के नेतृत्व में कार्यक्रम लगे और वही पंचायत में जो है उस पंचायत में जो है जितने भी जो है वहाँ मतदान केंद्र हैं तो बूथ कमेटी जो है उसी पंचायत में जाकर जो है वहाँ जो है हमारे जो अपने लोग हैं कुछ जो है नौजवान साथियों का जो है हम लोग उजा लेंगे और हमारे जो अभिभावक हैं जो है उनका जो है हम लोग अनुभव लेंगे और अभिभावक और नौजवान साथियों का जो है कमेटी बनाकर ताकि दोनों का जो है उन लोग दोनों का जो है संयुक्त जो है प्रयास हम लोगों को काम आए उनका उनकी जो है हमारे जो अनर्जन है उनका अनुभव काम आए और नौजवान साथियों के पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा लगे और ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है हम लोग इस तरह का कमेटी बनाकर कुछ महिलाओं को भी जो है कमेटी में जो है